दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वंदे रघुनंदनम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 2022 कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो मित्रों, कन्या राशि के जो जातक हैं, 2022 में आप धन और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के साथ ही जीवन में आ रही किसी भी तरह की आर्थिक तंगी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बात को ध्यान से सुनिए, जीवन में आ रही किसी भी आर्थिक तंगी से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो राशि साल 2022 की शुरुआत में राजयोग का निर्माण कर रही है, इस दौरान आप कई क्षेत्रों में भाग्य का साथ प्राप्त करने के चलते सफलता अर्जित कर सकते हैं, सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। साल 2022 में अगर हम बात करें अप्रैल, जून और सितंबर की, तो सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। 26 फरवरी के बाद विशेष ध्यान देना होगा। 26 फरवरी के बाद का समय कन्या राशि के जो छात्र हैं, जिनकी राशि कन्या है और छात्र जीवन में है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी किसी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, किसी तरह के कार्यों को करने में वो लगे हुए हैं पढ़ाई क्षेत्र में, तो उनके लिए शुभ दिन अर्थात सिद्ध होगा, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। इस दौरान ये उत्तम प्रदर्शन देते हुए कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अच्छा ये परफॉर्म करेंगे, अच्छी अपनी जहां पर जाएंगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छे प्रदर्शन के द्वारा इनको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस समय मित्रों, कन्या राशि के जातकों को आर्थिक लाभ के अलावा आय के नए नए स्रोत के साथ साथ लोगों से संपर्क भी बनेगा। आय का स्रोत तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ लोगों से, जो नए नए लोग हैं उनसे संपर्क भी आप बनेगा और उन संपर्कों के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अप्रैल के अंत में पारिवारिक जीवन में समस्याएं आने की आशंका दिखाई दे रही है। इस साल लव लाइफ में मजबूती और शादीशुदा जातकों को दांपत्य जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 2022 के शुरुआती 4 महीने आपके लिए थोड़ा कष्टदायक सिद्ध कर सकते हैं। 11 सितंबर से दांपत्य जीवन में अनुकूलता प्रवेश कर सकती है आपके। तो मित्रों, हमने आपको बताया ये छोटा सा राशिफल 2022 का, तो कन्या राशि के जातकों का ये राशिफल बताया मैंने। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, जैसे राम कथा, भागवत कथा, सुंदरकांड जी का पाठ हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, या आप गृह प्रवेश कराना चाहते हैं वैदिक विधि के द्वारा कराना चाहते हैं, आप नींव पूजन कराना चाहते हैं, या घर में किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए अनुष्ठान कराना चाहते हैं, या आपको नवग्रहों की शांति के लिए अनुष्ठान कराना है, आप एक बार ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के द्वारा जरूर संपर्क करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।